अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं आज आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है हमारी 10th क्लास चैप्टर नंबर 9, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चों ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करने लगे हैं माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। माइक्रोस्कोपिक कहते हैं बड़ी बड़ी अहम इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, हम कहते हैं प्रॉपर्टीज को, खसूसियात को, किस चीज की? डायनामिक इक्विलिब्रियम की। बच्चों मैं आपके साथ 5 प्रॉपर्टीज शेयर करने लगा हूं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करने वाला, मैं आपको टू दी पॉइंट काम की चीजें समझाने लगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी सुनो बच्चों, याद रखना ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये किसी भी सिस्टम पे उस वक्त टेक्स प्लेस होता है जब सिस्टम किसी, जब कोई रिएक्शन किसी क्लोज सिस्टम में मौजूद होगा तब ये सिस्टम टेक्स प्लेस होगा। मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें से ना तो कोई चीज अंदर दाखिल हो और ना ही कोई चीज बाहर जा सके, ऐसा सिस्टम बच्चों हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। मैं आपको एक एग्जांपल भी याद करवाऊंगा जहां डायनामिक इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस हुआ था और वो एग्जांपल आपने पढ़ी थी 9th क्लास में। अभी जस्ट हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस इन अ क्लोज सिस्टम। तो पहला पॉइंट बच्चों, पहली प्रॉपर्टी आर डायनामिक इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस इन अ क्लोज सिस्टम इन विच नो सब्सटेंस कैन लीव आर एंटर द सिस्टम। बच्चों देखो, एक तो आप लोग पहले फर्स्ट आर्टिकल में पढ़ चुके हो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा कैसे रिएक्शंस के ऊपर टेक्स प्लेस होता है, जो रिवर्सिबल होते। और रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हो बच्चों के रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा किस में होते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो एक तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि इस बात में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होने के लिए रिएक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा बच्चों टेक्स प्लेस होते हैं किस में? क्लोज सिस्टम में। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल याद कराऊं जो आप 9th क्लास में पढ़ा करते थे। आप ना एक ऐसे सिस्टम बनाते थे, आप कहते थे सर ये एक हमारे पास क्या है, कंटेनर है, कोई बीकर है, और इसके अंदर आप क्या करते थे जी, लिक्विड फिल कर लेते थे। और जब ये लिक्विड क्या करता था जी, सपोज करो ये वाटर है, आप इसको हीट करते थे तो ये बच्चों क्या होता था, ऐसे एवापोरेट होना शुरू कर देता था। यहाँ ये जो वाटर के वेपर्स होते थे वो एवापोरेट होके बच्चों एटमॉस्फेयर में चले जाते थे और सिस्टम पे कोई डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता था। लेकिन जब आप इसी सिस्टम को बच्चों क्या कर देते थे, क्लोज कर देते थे, चले जी मैं दोबारा से वही बना देता हूँ, ऐसे इस तरीके से ना आप इस सिस्टम को बंद कर देते थे, मींस कोई भी सब्सटेंस अब ना तो बाहर से अंदर आ सकता है और ना ही कोई सब्सटेंस अंदर से बाहर जा सकता है,
ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? क्लोज सिस्टम। अब बच्चों ये देखो, ये लिक्विड किसमें जा रहे थे? ऊपर वेपर्स बन रहे थे और इस स्पीड को, इस एवापरेट होने को हम बोलते थे रेट ऑफ एवापरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन। ओके जी, अब फिर आप 9th क्लास में बोलते थे कि भाई यही जो जो वाटर के वेपर्स हैं ये ऊपर आपस में कंडेंस होते हैं, कंटेनर से टकराते हैं और उसके बाद यही वेपर दोबारा कंडेंस होके बच्चों किस में आ जाते हैं? इसी लिक्विड में आ जाते हैं और इसको हम बोलते थे, इस स्पीड को रेट ऑफ कंडेंसेशन। हम कहते थे जी शुरू में कंडेंसेशन, हम कहते थे जी शुरू में ऐसे होता है कि ये जो लिक्विड है ये जल्दी जल्दी किसमें जा रहा होता है? वेपर्स में। मींस रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होता है? ज्यादा, और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है? कम। और फिर ये क्या हो जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि ये वेपर ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होना शुरू हो जाता है? ज्यादा। और एक टाइम ऐसा आता है कि रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवापोरेशन एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? इक्वल। और हम कहते थे उस वक्त इसके ऊपर क्या आ जाता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। मींस जब रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते थे तो सिस्टम पे क्या आ जाता था? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जरा गौर से देखो जो बात मैं समझाना चाहता हूँ। अगर सपोज करो ये सिस्टम आपके पास यहाँ क्लोज की बजाय क्या होता? ओपन। तो बच्चों ये देखो, जब ये वाटर के जो वेपर्स थे ये ऊपर चले जाते तो ये रिएक्शन कभी भी रिवर्स ना आता और दोनों की कभी स्पीड इक्वल ना होती और ये रिएक्शन के ऊपर कभी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना होता। तो याद रख लो, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए, रिएक्शन पे टेक्स प्लेस होने के लिए आपका सिस्टम का क्लोज होना क्या है? जरूरी। याद रखो, ओपन सिस्टम में कभी भी ये इक्विलिब्रियम या ये जब डायनामिक इक्विलिब्रियम है कभी भी टेक्स प्लेस नहीं होता। तो ये आपकी पहली खसूसियात है, पहली प्रॉपर्टी। अब चलते हैं जी हम बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी पे। याद रखना बच्चों, जब कभी किसी सिस्टम पे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया है तो वो रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता। मीन्स सपोज करो ये मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी और ये क्या बना रहे हैं? सी प्लस डी, और ये दोबारा सी प्लस डी मिलके क्या बना रहे हैं? ए प्लस बी। मैं कहता हूं जी इस सिस्टम पे क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो याद रखना, जब कभी किसी सिस्टम पे इक्विलिब्रियम होता है तो वहां रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। वहां क्या होता है? वहां बच्चों ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, इन दोनों की स्पीड सेम होती है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा होता है और ये रिवर्स डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड प्रॉपर्टी कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है इसके ऊपर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेम होते हैं लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी लिख लो सेकंड, के एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन कैन नॉट स्टॉप फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड यहां रेट लिख लो, चलो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज सेम
बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बच्चों ये हमारी है सेकंड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। कहता है कि जब आपके पास किसी सिस्टम पे डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है तो बच्चों याद रखना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता और वो क्या हो जाती हैं सेम। याद रखो जब कभी किसी सिस्टम पे डायनामिक इक्विलिब्रियम आ रहा होता है आया हुआ होता है तो याद रखो वहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता, दोनों की तादाद क्या होती है सेम। कहता है इवन के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक इस सिस्टम के अंदर मौजूद रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट की जो कलर है जो उनकी डेंसिटी है बच्चों कहता है उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। मींस डायनामिक इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा इवन के उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि इन इन ना देखो यार एट अच्छा लगेगा एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कॉन्स्टेंट इवन देयर फिजिकल इवन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज such as color density etc remain same। okay जी उनमें भी कोई चेंज नहीं आता। चले जी फोर्थ प्रॉपर्टी ये बड़ी आसान है। कहता है कभी भी किसी सिस्टम पे इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो वो इस रिएक्टेंट साइड से भी किया जा सकता है इस प्रोडक्ट साइड से भी किया जा सकता है। मींस इक्विलिब्रियम कैन बी अटेनेबल आइदर फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड और फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। कैसे ये देखो बच्चों अगर सपोज करो आप यहां से इधर को जा रहे हो रिएक्टेंट साइड से तो बच्चों हमारे पास ये उस वक्त क्या होते हैं रिएक्टेंट्स और ये क्या होती है हमारी प्रोडक्ट। अगर बच्चों आप इस साइड से जा रहे हो तो याद रखना उस वक्त आपके ये क्या होते हैं रिएक्टेंट्स और ये क्या होती है प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है आप इधर को जा रहे हो तो आप फिर भी रिएक्टेंट साइड से जा रहे हो, अगर आप इधर को जा रहे हो फिर भी आप रिएक्टेंट से किसकी तरफ जा रहे हो प्रोडक्ट की तरफ। तो इसलिए हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी अटेनेबल ऑन बोथ साइड्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये भी लिख लो डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी
अटेनेबल आइदर फ्रॉम रिएक्टेड, ये मैं आर ना रिएक्टेड लिखता हूं, आप तो पूरा लिखा करो, रिएक्टेड साइड आर फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। चलें जी लास्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, ये सबसे आसान है और इसको इसकी खसूसियत बच्चों ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना आपने इसके ऊपर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम भी चैप्टर नंबर 8 है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो इस वाली बात को आपने वहां बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, यहां आपने जस्ट याद रखना है। ये है जी आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। बच्चों याद रखना, सपोज करो किसी सिस्टम पे डायनामिक इक्विलिब्रियम आया हुआ है और आप जानते हो उसके ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो ना ऐसे ना हो, आप उस डायनामिक इक्विलिब्रियम को खराब करना चाहते हो, आप उसे डिस्टर्ब करना चाहते हो, तो कहता है कोई परेशानी नहीं है, आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो, मींस आप चाहो तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो के सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में मूव करे, फॉरवर्ड। आपका दिल चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में मूव करे, रिवर्स। मींस आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो, उसके लिए कहता है आपको तीन काम करने होंगे। नंबर वन कहता है आप कंसंट्रेशन चेंज कर दो, किसकी बच्चों, आप रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हो, प्रोडक्ट की भी कर सकते हो। मैं आपको ऐसी थोड़ी सी एग्जांपल दूं, सपोज करो ये रिएक्शन था, इसके ऊपर डायनामिक इक्विलिब्रियम आया हुआ है। बच्चों देखो जब मैं इसके अंदर रिएक्टेंट ऐड करता हूं, सपोज करो ए और बी ऐड कर दूं सिस्टम में, जब मैं ए और बी ऐड करूंगा तो बच्चों गौर से देखो मेरे पास ये तादाद क्या हो जाएगी, ज्यादा। और आप जानते हो जब रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वो जो इक्विलिब्रियम आया हुआ था कि दोनों की स्पीड क्या चल रही थी, बराबर, अब वो डिस्टर्ब होगी और इक्विलिब्रियम जल्दी जल्दी किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा, या रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जो सी और डी बन रहे हैं आप इसको यहां से हटाते जाओ, अगर आप यहां से हटाते जाओ ना तो कभी ये कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और ना ही रिएक्शन कभी किस डायरेक्शन में आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में। ये बच्चों बड़ी क्लासेस में ना फर्स्ट ईयर में आप एक लॉ पढ़ोगे, उसका नाम है ली शेटलेयर प्रिंसिपल। वो कहता है कि जब आप इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हो, कोई चेंज अप्लाई करते हो, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में वो उस चेंज को कम से कम कर सके। अब देखो मैंने चेंज क्या किया, मैंने इसको यहां से निकाला, इक्विलिब्रियम चाहेगा कि मैं यहां ज्यादा से ज्यादा सी और डी को प्रोड्यूस करूं क्योंकि यहां डिस्टरबेंस हुई है, और जब वो यहां मूव करेगा तो ये देखो इसको बनाने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में मूव करना होगा, फॉरवर्ड। वो कभी भी रिवर्स नहीं जाएगा क्योंकि वो तो ये बनाना चाह रहा है, वो इसको खत्म नहीं करना चाह रहा। तो ये आपने मजीद इसकी डिटेल फर्स्ट ईयर में पढ़नी है। तो याद रखना आप अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हो तो आप कंसंट्रेशन को चेंज करो, वो रिएक्टेंट की भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट की भी हो सकती है। इसके अलावा आप सिस्टम का प्रेशर चेंज कर दो तब भी बच्चों इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, आप टेम्परेचर चेंज कर दो तब भी हो जाएगा। तो ये याद रखना इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो
तो ये लास्ट लिख लो, एन इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये था जी हमारा छोटा सा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। एंजॉय करो केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच। अल्लाह।